हम आज़ाद नहीं है, मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ, मैं अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान में। कैसे मुझे ये मैं आज़ाद, मैं आपको अभी कैसे बताऊँ, मैं खुद आज़ाद नहीं फील कर रहा हूँ पाकिस्तान में। मुझे पाकिस्तान ने सिर्फ इतना दिया है कि मैं इधर रहता हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान में मुझे क्या दिया है? टैक्स कितना बढ़ गया है, गरीब कितना क्या करे गरीब। इंडिया को अमेरिका जो है ना अपना फेवरेट बना रहा है। Absolutely तो right. भाई कब इंडिया को अमेरिका ने फेवरेट नहीं बनाया? वैसे बाय द वे हैरत की बात नहीं है कि 79 में जो रशिया के साथ वॉर हुई आपकी, उसमें आप अमेरिका के जो है ना वो सब कुछ बने हुए थे, और उस वक्त भी अमेरिका ने सारे का सारा जो है ना वो अपनी फेवरेटिज्म इंडिया के लिए रखा हुआ था। तो आप दबे ही रहे, आप गिरे ही रहे, और उनके जो है ना गिर के भी आप उनके छोटे छोटे काम कर दें नौकरों की तरह, तो आप सिर्फ इसी हैसियत में आप अमेरिका को कबूल है। भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला, आज भी अगर नहीं आगे निकला, बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत हैं। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तलाफ तो होगा क्योंकि उसका मतलब और है, मेरा मतलब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूंगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बेहतर है, बेहतरीन आला है, बेहतरीन है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बेहतरीन है। बहुत आगे निकल गया, 600 बिलियन से ज़्यादा उसका बजट आ चुका है, फॉरेक्स रिजर्व। हाँ, कितने कितने ब्रांड क्रिएट किए, मुकेश अंबानी को देख लो, अडानी नेटवर्क देखो, कितना बिलियनर उधर बन गया। इधर अगर कोई बनना भी, बनने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो लोग उसको स्टॉप करते हैं। नरेंद्र मोदी एक हिंदू है ना, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना, मगर अपनी पब्लिक के लिए सोचते हैं, तो ऐसे लीडर हमको भी। क्या लगती है कि जो एप्रिसिएशन है वो स्पेशली इंडिया की तरफ अगर देखी जाए अमेरिका की, बहुत ज़्यादा है, और जो उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, वो बड़ा वार्मली मतलब जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा रहे हैं। इवन के टेस्ला के जो ओनर हैं एलोन मस्क, उन्होंने कहा है कि हम ईवी का जो प्लांट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो भी हम भारत में बहुत जल्द मतलब जो है वो लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो प्लांट शट डाउन हो रहे हैं, आप होंडा की बात कर लें, आप टोयोटा देख लें, जो हालात चल रहे हैं, क्या डिफरेंस कहाँ पे आपको लगता है कि मतलब एक तरफ पूरी दुनिया उधर भारत को रिस्पेक्ट दे रही है, वहाँ पे हमारा क्या इमेज मतलब है? खैर दो बातें हैं असल में, एक तो ये है कि एक ना आपका जो दाखिली बहरान है, जो डोमेस्टिक लेवल पे जो आपने हद कर दी हुई है करप्शन की, लूट खसूट की, लाकानूनीत की, तो मतलब ये है कि वो सारे का सारा मुल्क भागने को दौड़ रहा है। आप सिर्फ कुछ बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, अगर दरवाज़े खुल जाएं किसी तरीके से, मुल्क खाली हो जाए, मतलब यहाँ पर जो मायूसी की कैफियत इस वक्त एक बनाई हुई है, तो इसका एक तो डायमेंशन ये है कि लोकली हमारी अपनी करतूतें इस वक्त बहुत बुरी हैं। काम खा हम वो कर रहे हैं कि जनाब वो इंडिया, वो इंडिया, अमेरिका दूसरा तीसरा, मतलब हमारे काम बहुत बुरे हैं, हम अपने भी दुश्मन हैं, तो उसमें उसकी एक तो डायमेंशन है ना वही है। दूसरी डायमेंशन जो है ना वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि वो इंडिया को अमेरिका जो है ना अपना फेवरेट बना रहा है। Absolutely तो भाई कब इंडिया को अमेरिका ने फेवरेट नहीं बनाया? वैसे बाय द वे हैरत की बात नहीं है कि 79 में जो रशिया के साथ वॉर हुई आपकी, उसमें आप अमेरिका के जो है ना वो सब कुछ बने हुए थे, और उस वक्त भी अमेरिका ने सारे का सारा जो है ना वो अपनी फेवरेटिज्म इंडिया के लिए रखा हुआ था। असल उसकी कहानी ये है कि मुसलमान जो है ना वो 1400 साल से एक तारीखी दुश्मन रहा है वेस्ट का। ये जो क्रूसेड्स है ना, ये गोरे की घुट्टी में बैठी हुई हैं, उनको वो जब भी आप हो जाए ना, बेशक आप जितने भी अपनी शक्ल सूरत बदल लें, उनको वो पुराना मुसलमान आपके अंदर ना वो नज़र आता है। इस वजह से वो आपके मामले में अगर आप खड़े हो गए तो गोरा इसको अच्छा नहीं देखता, तो आप दबे ही रहें, आप गिरे ही रहें, और उनके जो है ना गिर के भी आप उनके छोटे छोटे काम कर दें नौकरों की तरह, तो आप सिर्फ इसी हैसियत में आप अमेरिका को कबूल है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर, जो बराबरी की सतह पे करें। मुझे अयूब खान ने कहा था ना कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो भाई साहब आपको फ्रेंड्स के तौर पर वो नहीं लेने वाले। वैसे अगर आप कुरान मजीद पढ़ लें तो कुरान में बहुत पहले बता दिया था कि वो आपको फ्रेंड्स के तौर पर नहीं रख सकते। तो या तो ये है कि वो आप उनके थले लगें, तो उस हैसियत में आप कबूल हैं, यानी वो देते अमेरिका को रहें बल्कि अमेरिका इंडिया को रहें, बल्कि इंडिया का जो है ना ले पालक आपको यहाँ पर बना के रखें, आप इंडिया के एक सैटेलाइट बन के रहें, इस पोजीशन में ही वो आपको रखना चाहेंगे। तो इस वजह से वो ये है कि उसकी तारीखी कुछ वजूहत हैं कि वो जो 1400 साल का तारीखी मोमेंटम है वो क्रूसेड के वेस्ट को बहरहाल मुसलमान जो है ना मतलब दुखता है, इस वजह से वो तभी तौर पर इंडिया और गोरा जो है ना दोनों समझ रहे हैं कि हमको जो है वो मुसलमान ने 14 सदियां जो है ना वो
बहुत दुखती हैं, बहुत तंग की है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें और पाकिस्तान में नाम लें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेट देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक नेगेटिव कमेंट्स जो है आम पब्लिक जो है वो रखती है पाकिस्तान, लेकिन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया की निगाह में वो हीरो है। वजह आपको क्या लगती है कि जिससे हम मतलब हेट दे रहे हैं, हम नफरत कर रहे हैं, हमारे लिए जो ज़ीरो है वो उनकी अपनी कौम के लिए पूरी दुनिया के लिए वो हीरो है? नहीं नहीं, आप देख नहीं रहे हैं कि पूरी दुनिया में बुनियाद परस्ती की लहर है। यूरोप में जहाँ कहीं इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो मतलब मजहबी लोग हैं और वो जो है मतलब नेशनलिस्ट भी होते हैं, मजहबी भी होते हैं और हेट भी रखते हैं, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक, हर जगह वहाँ पर असल में आ रहे हैं बुनियाद परस्त। अच्छा, इधर इंडिया में ये बुनियाद परस्त है। अच्छा, पूरी दुनिया में बुनियाद, ये जो सेकुलरिज्म का बुखार ना इस वक्त हमें चढ़ा हुआ है कि हम जो ना बहुत ज़्यादा वो खुले हों, खुले कहाँ हों भाई, सारी कौमें जो हैं कोई किसी का नहीं है और वो अपनी पुरानी रूट्स पे जा रही हैं, सारी कौमें अपनी पुरानी मजहबी सकाफती रूट्स पर जा रही हैं। मुसलमान को तो वो जीने नहीं देते, आपने देखा नहीं यूरोप में क्या हाल है, ना आप नमाज़ पढ़ सकते हैं वहाँ पर रोड पे जाकर, ना आपकी औरत पर्दा कर सकती है, ना आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल में स्कार्फ ले सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं उनके स्कार्फ उतरवा रहे हैं। तो वो ये है कि वो कोई भी आप जो है ना खुले दिल का नहीं रहा है सवाए हमारे। ठीक है, तो इस वजह से वैसे आंखें खोल लेनी चाहिए, इस वक्त लोग जो है ना अपनी रूट्स पर जा रहे हैं, हम अपनी रूट्स छोड़ रहे हैं, ये वजह है शायद जो ये सारा सिम्टम है उस मुसीबत का जिसका। कितना आगे निकल गया भारत? बिल्कुल आगे नहीं निकला, आज भी अगर नहीं आगे निकला, बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत हैं, 5 साल बहुत हैं मुसलमानों के पास, जितने वो जो है ना पोटेंशियल्स हैं हर हर लिहाज से 5 साल की, ये जो खासतौर पर एक ब्लॉक बना ना अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक एक मुस्लिम ब्लॉक बन रहा है, ये अगर थोड़े से ढंग के काम कर लें तो सारी तिजारत के रूट्स पर ये बैठे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं, अरबों की दौलत इनके पास है, तुर्की माशाल्लाह एक जायंट के तौर पर उठ रहा है। पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर? पाकिस्तान के अगर अपने थोड़े से जो है ना वो जो लीडरशिप के करतूत सीधे हो जाएं, विच आई डाउट, तो बाकी काम तो इतना है कि आप 10 साल में मतलब इंडिया कुछ भी नहीं, इंडिया 7.2 के साथ मतलब ग्रोथ के साथ, जैसे ही अमेरिका और पूरा वेस्टर्न ब्लॉक ढह जाएगा ना, अभी उसके कुछ थोड़ी सी शुरुआत जो है ना वो हो रहे हैं डॉलर के साथ जो है ना, वो सारे के सारे लोग जो है ना दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन सर इंडियन करेंसी में वो 23 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, बात ये है कि जब ये एक मुतबादल ब्लॉक उठ खड़ा होगा ना तो वेस्टर्न ब्लॉक अपने उस पानी में नहीं रहेगा, ठीक है, उसके बाद इंडिया यतीम होने वाला है, इंडिया यतीम होने वाला है, मुसलमानों के पास बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो आने वाले हैं। बस बात ये होती है, बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। हाँ मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, बात यह है कि मुसलमान कोई छोटी चीज़ नहीं है भाई, मुसलमान कोई छोटी चीज़ नहीं है, ना वसाइल के लिहाज से, ना आबादी के लिहाज से, ना यूथ की तादाद के लिहाज से, ना जियोग्राफिक पोजीशन के लिहाज से, मतलब दुनिया के सेंटर में मुसलमान बैठे हैं भाई। सर फिर बदनाम भी सबसे ज़्यादा मुसलमान ही क्यों हो रहे हैं, और अगर इतने ही वो हैं तो हमारे करतूत फिर उस तरह के क्यों नहीं हैं? लीडरशिप का क्राइसिस खासतौर पर पाकिस्तान में, माशाल्लाह तुर्की ने अपने लीडरशिप का क्राइसिस जो है ना उसको काबू में कर लिया है, और आने वाले सालों में मैं कहता हूँ पाकिस्तान कुछ भी ना करे मुसलमान कई जगहों पर उठ रहे हैं, वो तो हमारा मसला है ना कि हम कहाँ किस पानी में पाकिस्तानी। वैसे मतलब ये है कि बहुत सारे मुसलमान जो है ना वो उठ रहे हैं, खासतौर पर ये जो तुर्की की क़यादत में उस पूरे रीजन के अंदर एक पूरा रिवाइवल आ रहा है। क्या आप लीडर मानते हैं नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी अपनी कौम का बिलाशुबा वो भी है और मोहसिन भी है। जो भी लीडर अपनी कौम को अपने ओरिजिनल रूट्स पे आज खड़ा करेगा ना, मेरा उससे इख्तलाफ तो होगा क्योंकि उसका मतलब और है, मेरा मतलब और है, लेकिन मैं इसको वैल्यू करूँगा कि किसी को अपनी रूट्स याद हैं, उसको अपनी रूट्स याद हैं। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट में से ये दोनों जगह कि मतलब मुसलमानों को जो है ना वो सब्र बर्दाश्त हिम्मत के साथ जो है वो अपना मुस्तकबिल का सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रफीक खान। क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह इधर सारे सीए के ही मुझे मिलते हैं, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पे क्या? हाँ यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा हैं। सही। राइस है, क्रिसेंट है, स्केन है। सही। तो आसपास है तो सारे स्टूडेंट इधर रहते हैं। तो अभी आप मतलब तैयार कर रहे हैं या मतलब स्टार्ट कर दी ऐसी आपने? मैं कैप में हूँ और तैयारी कर रहा हूँ अभी भी एग्जाम के लिए। मेरा आज आपसे क्वेश्चन सर ये है कि इस टाइम जो मुल्की हालात की सूरत हाल चल रही है, अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स को देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो US के विज़िट के ऊपर हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत की तरफ मतलब शिफ्ट हो रही हैं, पहले तो मुझे ये बताएं किस तरीके से आप उनका विज़िट देखते हैं जो अमेरिका का वो कर रहे हैं?
देखो मसला तो ये है ना कि मुल्क में सबसे पहले हमारा जो मेन इशू है ना, ये जो आपने इंडिया की बात की ना, उधर सियासी बहरान नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क में जो है ना सियासी बहरान है हर एक जगह से, जो है ना ये आप ख़ुद देख लो कि मुल्क के जब सियासी जो बहरान है ये ख़त्म हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी नून लीग एक काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी दूसरा काम कर रहा है, तहरीक इंसाफ तीसरा, कभी असम्बली तोड़ जाती है ना तो इलेक्शन जो है ना वो भी नहीं हुआ। तो जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती ना, सियासी बहरान ख़त्म नहीं होते ना, तो ये चीज़ जो है ना मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भी पीछे जाएगा। वजह क्या लगती है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, पूरा वर्ल्ड उनकी तरफ क्यों बेंड हो रहा है, मतलब अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है उनके अंदर? देखो उधर सियासी बहरान नहीं है ना, मेन वजह ये है। यहाँ पे तो हर एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसको हटाने लोग मिलकर जो है ना उसको हटाते हैं, तो फिर आपको तो जाहिर पता है ना कि हमारा लीडरशिप फिर कैसे होगा। अभी मुझे अब नवाज शरीफ, अगर शहबाज शरीफ इधर से किसी मुल्क में दौरा करेगा ना, तो सारे लोगों को पता है कि यानी अगर एक प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री को दौरा करती है ना, तो उसके साथ सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर कैसा था, इससे पहले इस किसी पाकिस्तान में इसका ताल्लुक कैसा था, तो वो ये देखते हैं ना। तो अभी शहबाज शरीफ पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ये तो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है ना। तो ये तो मुल्क का सियासी बुरान ख़त्म नहीं होना तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकती। आपको लगता है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो बेहतर है? बेहतरीन आला है, बेहतरीन है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बेहतरीन है। लेकिन पाकिस्तानी अगर आम पब्लिक से पूछा जाए तो कोई इतना पॉजिटिव मतलब क्यों नहीं वर्ड्स रखती, मतलब आप जैसा अगर कोई भाई मुझे कह दे तो ये कोई गिने चुने लोग होते हैं जो मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मतलब तारीफ करें, वरना ज़्यादातर लोग तो इतना नेगेटिव थाट क्यों रखते हैं जबकि पूरी दुनिया के लिए हीरो हैं वो? देखो अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जो भी है ना, जब वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं, ठीक है, अपनी मुबादात के लिए नहीं सोचते कि मेरा ये है इधर ये केसेस है ये ख़त्म हो जाएगा ये है ये हो जाए, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। तो इधर जो है ना आवाम की सोच नहीं है, आवाम की फिक्र नहीं है, बस अपनी केसेस के ख़त्म, उसके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं ना। अगर देखें तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट उधर से भी नहीं आती, बैगर्स आर नॉट चूजर्स, और मतलब जिस तरह ज़्यादातर जो ब्लंट है वो हमारी साइड से ही क्यों लगते हैं, उनकी साइड से इस तरह की कोई स्टेटमेंट आपको कोई लेम स्टेटमेंट नज़र नहीं आएगी? यार पाकिस्तान जो है ना, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ ना, इधर लोग जो है ना जो भी सियासी लीडर आते हैं ना, तो वो अनेस्ट यानी अगर अनेस्ट आ जाते हैं ना तो उसको हटाया जाते हैं। हर एक बंदा, हर एक इदारा, हर एक जो लोग हैं ना वो पैसे बनाने के पीछे पड़ गए हैं ना। तो कायद का पाकिस्तान था, कायद का पाकिस्तान, कायद किधर है, कायद किसने मारा था, किसने मारा था आपको पता नहीं है किसने मारा था? एम्बुलेंस किसने स्टॉप किया था, किसने किया था? पादमा के ख़िलाफ़ किसने केसेस बनाई थी आपको पता नहीं है? जब हम इस सर्कल से बाहर नहीं आएंगे ना, तरक्की मरक्की नहीं होगा पाकिस्तान का, कुछ फ्यूचर नहीं है इस मुल्क। आगे निकल गया भारत, बहुत आगे निकल गया, 600 बिलियन से ज़्यादा उसका बजट आ चुका है, फॉरेक्स रिजर्व। हाँ, कितने कितने ब्रांड क्रिएट किए, मुकेश अंबानी को देख लो, अडानी नेटवर्क देखो, कितना बिलियनर उधर बन गया। इधर अगर कोई बनना भी बनने की कोशिश भी कर रहा है ना तो लोग उसको स्टॉप करते हैं। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ था, 1 बिलियन, अभी सर 52-54 बिलियन डॉलर उसका रिजर्व है। ये देख लो हमारी 16 अरब से आ गया 3 अरब तक, 3.6 तक। क्या मुस्तकबिल क्या है, यही हालात रहते हैं, क्या फ्यूचर के जा किधर हैं हम लोग? देखो जो भी हुआ है ना, मेरे बस सिर्फ एक मैसेज ये है ना कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ ख़त्म कर, मैं तो ये नहीं मगर मुल्क में ये सियासी स्टेबिलिटी यानी ये जो क्राइसिस है ना ये ख़त्म होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। ट्रेड कितनी ज़रूरी है भारत के साथ? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कहते हैं कश्मीर का मसला हल होगा, तो मसला है कश्मीर का मसला, साल अभी ये नहीं होगा ट्रेड करना भारत के साथ, ये जो है ना अगर कश्मीर हमें चाहिए ना तो हम आज़ाद कर सकते हैं। हम आज़ाद नहीं है, मैं खुद आज़ाद नहीं, मैं अपने आप को आज़ाद फील नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान में। कैसे मुझे ये मैं आज़ाद, मैं आपको अभी कैसे बताऊँ, मैं खुद आज़ाद नहीं फील कर रहा हूँ पाकिस्तान में। मुझे पाकिस्तान ने सिर्फ इतना दिया है कि मैं इधर रहता हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान में मुझे क्या दिया है, टैक्स कितना बढ़ गया है, गरीब कितना क्या करे गरीब, तो ये मसला है। क्या मुझे ये बताएं कि आने वाले टाइम के अंदर
हमारी कोई पॉलिसीज वगैरह इस तरह की हों जो हमें हेल्प आउट करें, या क्या पाकिस्तान को भी कोई नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है? साफ साफ इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान में, फेयर इलेक्शन होना चाहिए। जब इलेक्शन होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या पाकिस्तान को भी नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की ज़रूरत है? हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह एक इस्लामिक लीडर बन जाए।